डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इसके पहले एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ अब हम मल्टीप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टीज और यूज होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये है ए इंटू लैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ए ले लिया हमने टू एंड बी फोर एंड सी सेवन टू इंटू फोर प्लस सेवन टू का मल्टीप्लीकेशन फोर से भी होगा एंड सेवन से भी होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा टू इंटू फोर प्लस टू इंटू सेवन हमको हमें इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका टू इंटू फोर प्लस सेवन क्या हुआ फोर प्लस सेवन इलेवन टू इंटू इलेवन और टू इंटू फोर एट प्लस ट्वेंटी सेवन फोर्टीन आंसर्स हमें सेम है ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू इंटेजल्स में होल नंबर्स जीरो भी शामिल होता है जो न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव इंटीजर्स में लिया जाता है एडिशन सिक्स प्लस जीरो अगर जीरो को किसी भी इंटीजर्स में हम ऐड करते हैं तो हमें सेम डिजिट मिलती है सिक्स प्लस जीरो सिक्स माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस टू सिमिलरली सब्सट्रैक्शन सिक्स माइनस जीरो सिक्स से जीरो को माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें सिक्स मिलेगा माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू जीरो माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स जीरो माइनस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमको जीरो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आंसर सेम डिजिट वो ही मिलेगी नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन सिक्स इंटू जीरो मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसी भी डिजिट से जीरो का तो आंसर हमें क्या मिलेगा जीरो या जीरो इंटू सिक्स जीरो ही मिलेगा माइनस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो डिवीजन सिक्स अपॉन जीरो नॉट डिफाइन इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम एंड जीरो अपॉइन्ट सिक्स तो आंसर क्या होगा जीरो ही होगा ऑलवेज जीरो ही आएगा सिमिलरली वन डिवाइडेड फोर इज इक्वल टू हम इसको वन अपॉन फोर